जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे सीआरपीएफ ट्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ। सीआरपीएफ ट्रेड मेंस की जो वैकेंसी आने वाली है, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि सीआरपीएफ ट्रेड मेंस की जो नई वैकेंसी आने वाली है, आप सभी को पता है पिछली जो वैकेंसी है वो लगभग कंप्लीट होने को आई है, और नई जो एसएससी जीडी के बाद में सीआरपीएफ ट्रेड मेंस की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। दोस्तों आपने ट्रेड मेंस की वैकेंसी के बारे में काफ़ी अपडेट सुनी होगी, और मैंने एनसीएम के बारे में जब वीडियो बनाया था तभी बोला था कि अभी थोड़ी सी ये वैकेंसी डिले होगी और कब तक इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कब ये ऑनलाइन इसके फॉर्म होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वैकेंसी के पूरे क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्या इसके क्राइटेरिया, क्या इसमें फिजिकल रहने वाला है, क्या इसमें हाइट रहने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है ट्रेडमैन के, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत सारे बच्चे जो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर एसएससी जीडी में हाइट क्या रहेगी, कईयों की हाइट बहुत कम है, कईयों का फिजिकल थोड़ा कमजोर है, उन सभी के लिए ट्रेडमैन की वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों ट्रेडमैन की वैकेंसी में ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी और ट्रेडमैन का जो लेवल है बराबर ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ट्रेडमैन का जो प्रमोशन नहीं होता और एसएससी जीडी से जो जवान लगते हैं कॉन्स्टेबल उनका प्रमोशन होता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। ये अलग अलग ट्रेड में काम करते हैं, जैसे बारबर, कुक, मोची या फिल्टर, अलग अलग जितने भी ट्रेड है उन ट्रेड में काम करते हैं और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें जो प्रमोशन होता है, जैसे कुक की रहेगा जब तक सर्विस करेगा उसका प्रमोशन पे मिलता रहेगा, लेकिन उसका क्या रहेगा वो प्रमोशन में नहीं होगा, और कांस्टेबल से हवलदार से ऐसा इधर प्रमोशन होता है, ये फ़र्क होता है। लेकिन जो ट्रेड का क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में पहले मैं बता दूं। साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये एसएससी जीडी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, एग्ज़ाम कार्ड की ये बुक है, ऑल इन वन। इन्हें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसी कोई बुक बताओ जिसमें हमको सारे सब्जेक्ट मिल जाए, तो दोस्तों इसमें टोटल सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके और हिंदी, चारों के चारों सब्जेक्ट कवर किए गए। बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो ये आप अमेजन से परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है, ऑल इन वन बुक है, यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, और सभी सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाते हैं आपके। ये गाइड बुक है एसएससी जीडी के लिए स्पेशली। अब बात करें एसएससी ट्रेड जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, उसके लिए ड्राइवर ये सभी के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। देखो ट्रेडमैन के लिए 12th क्लास पास होनी चाहिए, चाहे आप कितने भी परसेंटेज हो। आपकी जो एज का क्राइटेरिया है 18 से 26 साल होता है, लेकिन किसी स्थिति में कई बार डिले हो जाती है तो 18 से 28 साल भी कर दिया जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट भी मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है एज में, यानी अब अगर आती है तो 18 से 28 साल रहेगा एज क्राइटेरिया, क्योंकि ये डिले चल रही है वैकेंसी। जो मेल है उसके लिए हाइट चाहिए 153 सेमी, यानी बहुत सारे बच्चे की हाइट कम है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ मेल के लिए हाइट कितनी चाहिए 153 सेमी। चेस्ट आपका कम से कम 74.5 होना चाहिए, यानी 74 सेमी आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए 140, लेकिन फीमेल के लिए अभी तक तो कोई पोस्ट शायद मेरे ख्याल से देगी नहीं ट्रेडमैन के लिए, महिला बटा लेना, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से नहीं आएगी, पिछली बार तो नहीं आई थी तो इसलिए मुश्किल है। और इसमें रेस का जो आपको टाइम मिलता है 1600 मीटर के लिए आपको 10 मिनट का समय मिल जाता है, यानी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी 1600 मीटर 10 मिनट में कर लेता है। कई बार ये टाइम थोड़ा बहुत कम भी कर दिया जाता है वैकेंसी को देखते, कई बार 8 से 9 मिनट के बीच में रख देते हैं, कई बार जो फिक्स टाइम है वो तो 10 मिनट है, लेकिन भर्ती बोर्ड कई बार इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता है, लेकिन ज़्यादा कम से कम रहता है तो भी 8.5 मिनट से ऊपर ही रहता है 1600 मीटर के लिए, यानी हर कोई पास कर ले ऐसा इसका क्राइटेरिया रहता है रनिंग के लिए, रेस के लिए। अब अगर हाइट की, जैसे मैंने बता दिया हाइट आपको 153 सेमी, मतलब नॉर्मल सभी बच्चों की होगी, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितने स्टेज होते हैं, तो मैं आपको बताऊं इसमें सबसे पहले आपका जैसे फिजिकल हो गया, हाइट हो गई, फिर रेस हो गया, फिर उसी टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, और फिर जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में फिर आपका इसमें होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम इसमें 100 नंबर का होता है, इसमें 50 नंबर का जो पेपर होता है उसमें सेम एसएससी जीडी का सिलेबस है, जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में, यानी सेम 50 जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो सेम ही है, 50 नंबर के होंगे और वो सेम ही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। सेकंड पार्ट में ट्रेडमैन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें मिनिमम आपको 33% आपके अंक आने चाहिए। जो ट्रेड अलग अलग ट्रेड के क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्रेडमैन का होता है 50 नंबर का, और उसमें अलग अलग ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सफाई वाला हो गया उससे उस टाइप के, बार्बर हो गया उसको उस टाइप से, धोबी हो गया उसको उस टाइप से। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूँ यहाँ पर, तो ये सफाई वाले से कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो देखो सफाई कर्मचारी से किस प्रकार के, कि कौन से कलर, कौन से बॉक्स में गीला कचरा डालते हैं, कौन से बॉक्स में सूखा कचरा डालते हैं, अगर हॉस्पिटल की वो निपकिन है वो कहाँ डालेंगी, सुई को कहाँ डालेंगी, ठीक है, कौन से ग्लव्स किस टाइम यूज़ करने चाहिए, कौन से टाइप का मतलब हारपी किया जैसे ये हो गया कौन सा यूज़ करना चाहिए, पुराने दागों को हटाने के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी दवाई जो काम में लेनी चाहिए,
ठीक है, गंदगी मिटाने के लिए कौन सी दवाई काम में लेनी चाहिए, ये सफाई कर्मचारी की बार्बर के है तो उसको जैसे क्रीमों का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी क्रीम सबसे अच्छी है, कौन सा जेल चेहरे के लिए सबसे अच्छा है, अगर चेहरे पे फुंसी हो जाए तो कौन सा जेल यूज़ करना चाहिए, या शेविंग करते समय कौन सी फोम यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन से प्रकार के जो आइटम वो उसके काम में आते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। अब अगर मान लो बिगुलर है तो बिगुल किस धातु का बना हुआ होता है, फौज में बिगुल कब आया था, इसको बजाने के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से इसको बजाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार के बिगुलर के हो गए। धोबी के अगर आप पूछो कि धोबी के क्वेश्चन किस प्रकार कहते हैं तो इस टाइप के जैसे लॉन्ड्री से संबंधित आ जाते हैं, कौन सी फ्रेस सबसे अच्छी होती है, किस ताप पर उसको गर्म करना चाहिए, कौन से कपड़े को सिलिकॉन मतलब जैसे अलग अलग टाइप के कपड़े उसका नॉलेज होना चाहिए, इस पर फ्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, नीचे कुछ आइटम दिए होते हैं इनमें से कौन सा इस्त्री करते समय ध्यान रखना चाहिए, शॉर्ट सर्किट में किस चीज़ का सबसे पहले करना चाहिए, कौन सा वायर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार के आते हैं धोबी में। इसी प्रकार जो जो जैसे कुक हो गया तो उसको सब्जी के बारे में कौन सा विटामिन है, किसमें कौन सा प्रोटीन है, कौन सी सब्जी को उबाल कर खाना चाहिए बेटर रहेगा, कौन सी कितना मतलब मात्रा रहेगी, इनमें से सब्जी बनाने में कौन कौन सा चीज़ काम में आती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए। गैस के बारे में भी कौन सी गैस यूज़ है, अगर गैस मान लो ब्लास्ट हो गया तो क्या करना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कुक में। तो ये ट्रेड के कुछ क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के ये होते हैं जिनमें आपको 33% कम से कम लाना अनिवार्य होता है, और जो 33% आपको फर्स्ट पार्ट जो 50 नंबर का होता है इसमें लाना अनिवार्य होता है, तो क्योंकि अगर आप 33 नहीं लाओगे तो पास ही नहीं होगे, पास का मतलब मेरिट में आओगे नहीं, तो यानी इस प्रकार से ये ट्रेड का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कर लीजिए। बाकी मैं ट्रेड भी अगर आप चाहते हो तो पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर ट्रेड पे पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा, अलग अलग ट्रेड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो पूरा का पूरा। तो जय हिंद जय भारत।